回回回回回回回回回回回回सॉरी मैडम। ना 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 बेटा, ना सॉरी की कोई बात ना है, गलती तो तुम्हारी है ही कोई ना, ना गलती तो सारी मारी हो रही है, ना घने दिनों से तुम लोगों को ना रपटाया है ना डंडाया है। नहीं, मैं तो भोली हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हजूर, ये दोनों एफआईआर ही नहीं लिख रहे, इसमें मेरा क्या है कसूर? मम्मी जी, बात ये है कि ना हम लोग लोगों की एफआईआर लिख लिख के ना जी बोर हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं जब तक कोई कड़ाकेदार मसालेदार केस नहीं ना आएगा तब तक हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। मैडम, लाइफ हैज बिकम टू रूटीन, वी नीड सम एक्साइटमेंट। एक्सक्यूज मी, यू आर एक्साइटमेंट इनफ? आई डोंट नो। तू क्यों है? जी, मेरा नाम मन्नू मरजानिया है। आइए ना। ना जब मैं आगी ना बेटा, दुनिया से रपट जाएगा तू। नहीं, लगता है इसके जान से जाने का प्रोग्राम है। मैडम, मुझे तो लगता है कि आइए ना इसका तकिया कलाम है। हाँ, आइए ना। ओहो, तो ये वो वाला आइए ना है। बेटा, अब तू फटाफट बता दे बात क्या है, फिर हम तुम्हें बताएंगे हमने आना है या नहीं आना है। जी मैडम, बात ये है कि मेरा एक असिस्टेंट है, उसको मैंने कहा था कि ये 25 लाख रुपए ले और पूना जाकर शेठ गेंडामल को दे दे, और रास्ते में जो भी खर्चा होना वो उन पैसों में एडजस्ट कर ले। तो उसने क्या किया मालूम है? पूरे 25 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए। मैडम, आई थिंक दिस इज क्वाइट एन एक्साइटिंग केस। क्या नाम हो रहा भाई थारे असिस्टेंट का? जी लक्ष्मण। ये लक्ष्मण और मैं रेखा। क्यों भाई खर्ची ले? ना थारे बास ने थारी एफआईआर लिखवाई है, ना सुनने में आया है कि एक ही ट्रिप में तूने अपने बास के 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्यों भाई? जी हाँ, खर्च तो हुए हैं, लेकिन ये देखिए मैडम, मैंने उनसे लिखवा लिया था कि मैं रास्ते में जो भी खर्च करूँगा वो उसी पैसों से एडजस्ट करूँगा। वो एक्चुअली क्या हुआ ना मैडम, कि मैं बस से जा रहा था और ये भी बस से जा रही थी, तो हम दोनों की आंखें 4 हो गई, वैसे तो 6 हो गई, लेकिन टेक्निकली 4, यू नो। हाँ, तो मैडम बाद में क्या हुआ कि ढाबे पे बस रुकी तो प्यार हो गया। अब इसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, सामने एक जेवर की दुकान थी तो वहाँ से इसे जेवर खरीद कर दे दिए। आई लव यू। लेकिन बाद में मैडम मैंने सोचा कि इसे बस में कहाँ घुमाऊंगा। प्राइवेसी, यू नो प्राइवेसी। तो मैंने क्या किया ना मैडम कि आगे हाईवे पे एक कार का शोरूम था, तो मैंने वहां से एक कार खरीद ली ताकि ये मेरे करीब आ जाए। तो क्या ये करीब आई? अरे आई ना। ओहो। लेकिन बाद में ना मैडम इसने मुझे कहा कि वो मुझे पप्पी तब देगी जब मैं उसे घर खरीद के दूं। तो मैंने क्या किया मैडम कि आगे हाईवे पे ही एक हाउसिंग डेवलपमेंट था, तो वहां पे एक मकान खरीद लिया। मतलब इसने पप्पी दे दी? दी ना। राता यो सब जो गृहस्थी बसाई है तो अपने बॉस के 25 लाख रुपए से बसा ली तूने? को पता नहीं, एक्चुअली मेरे बॉस ने है ना पहले भी मुझे एक बार पूना भेजा था और मुझे कहा था कि रास्ते में जो भी खर्च होगा वो मुझसे ले लेना। और मैडम मैंने क्या किया कि मैं टैक्सी से गया और टैक्सी से वापस आ गया। अब मैंने जब टैक्सी का बिल मेरे बॉस को दिया तो उन्होंने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मुझे उन्होंने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि जो रास्ते में खर्च होगा उसी के पैसे दूंगा। अब आप ही बताइए मैडम, टैक्सी से आना जाना भी तो रास्ते का खर्च ही हो गया ना। ये मामला तो हैरत अंगेज है मैडम, ये तो आउट ऑफ रिवेंज है। देखो बेटा, मैं जो है जो थारी जगह में होती मैं भी यही करती, मारे हिसाब से जो तैने करा मैडम, सही मैडम, कर मैडम, मैडम। अपने कान को मेरे होठों के करीब ले। अरे मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक काट कटीली जेब हो ढीली आइडिया आ रहा है। मैं तो हाथ पैर काट दूंगी फिर देगा तू आइडिया। सुनिए सुनिए, टूशन पढ़ाएगा तुम्हारे बच्चों को। क्यूट, वेरी क्यूट क्यूट। सुनो भाई, तुम दोनों लैला मजनू हिट जोड़ी, प्लीज गेट आउट, हैप्पी बर्थडे, कोई काम होगा हम बुलाएंगे, नाइस मीटिंग, बाय बाय। जी थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू लक्ष्मण। मी टू। व्हाट्स सो फनी? क्या 5 लाख? आइए ना, कम है तो बढ़ा दें, बताइए ना।
लेकिन 5 लाख रुपए। ओ, 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 या तो 5 लाख दो या फिर लेट 25 लाख गो। लेकिन नो लेकिन किंतु परंतु बट हाँ बोलो फटाफट। ओके लेकिन मेरे पैसे तो वापस मिल जाएंगे ना। तुम्हारी बात सुन। देख बेटा भाई पैसा जान और अरमान ना इन तीनों ने निकालने में कोई कसर ना छोड़ती। अरे तू घर को जा राम का नाम ले। अरे लक्ष्मण ने मैं रपटा दूंगी। मैडम अब मैं पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ? पैसे तो खर्च हो गए। तू घना होशियार हो रहा है। अरे तन्ने खर्च कर दूंगी मैं। देखो यार अगर पैसे खर्च भी हो गए तो वो पैसों से तुमने जो गाड़ी खरीदी जो जेवर खरीदे जो घर खरीदा वो सब अपने बॉस को वापस दे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे यार। अच्छा कानून मैं भी जानता हूँ। मैडम सबसे पहली बात कि मेरे पास मेरे बॉस की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ कागज है जो मैंने आपको दिखाया था। और दूसरी बात ये कि मैं सब कुछ अपनी रेखा के नाम कर चुका हूँ तो अब मैं चाहूँ तो भी किसी और के नाम कुछ भी नहीं कर सकता। देख भाई भाई जितना तू चतुर हो रहा ना हम उतने सीधे कोई ना है। इब गुलगुले बेटा एक काम कर ना इस कानून के प्रोफेसर ने उठा के लॉकअप में डाल दे। क्या? इसे PhD का सर्टिफिकेट मैं देती हूँ बस। अरे अरे ना मैंने कहा उठा के डाल दे तो उठा के डाल देगा। Obviously. मैडम एक्चुअली वो आदमी जो कह रहा है वो गलत तो नहीं कह रहा है। मैडम उसके पास उस मनु का साइन किया हुआ पेपर है और दूसरी चीज उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी उस रेखा के नाम पे की है। अब जबरदस्ती उस रेखा से वापस प्रॉपर्टी ले तो नहीं सकता ना। ये कैसी मुसीबत वाला केस आया है। मैडम हमने तो उस मनु मर जाने से 5 लाख रुपए खाया है। गुलगुले इब जो 3 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना तो यो जो थारी गोल कार सी बॉडी हो रही है ना मैं इसे त्रिकोण बना दूंगी। आ रहा है मैडम आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक चूरन चटाऊ झटपट पटाऊ आइडिया आ रहा है। तो रेप खाने के बाद बोलेगा तू। मैडम उस लक्ष्मण ने हमें बताया कि उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी उस रेखा के नाम पे कर दी है। अब अगर कोई इंसान उस रेखा को पटा ले तो वो पटाऊ इंसान सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगा और वहां से हम वो सारी प्रॉपर्टी मनु को दे देंगे। अरे भैया कौन किसे? मेरा मतलब है कि हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ पटने पटाने की बातें हो रही थी। सर आप पटाएंगे रेखा को। गुलगुले मैडम अरे मैडम देखिए किसी को तो पटा नहीं है। अब मैं नहीं पटाऊंगा गोपी नहीं पटाएगा तो सर को पटाने दीजिए ना। इट्स ओनली एक्टिंग मैडम। क्या हो रहा है? अरे एक्टिंग की बात तो सही हो रही पर कतई वो छोरी मटक गई और यो भटक गया तो क्या करेगा? को पटाना है कोई आइडिया है आपको? अरे मैडम जब आप जैसी पहुंची हुई चीज मेरा मतलब जब आप सामने होंगी तो ऐसे कैसे भटक जाएंगे मैडम? वो पटा लेंगे मैडम प्लीज करने दीजिए। मेरा ऑर्डर साइड में केस उठाओ। Are you sure about it? I am 100% sure about it. You don't worry at all. अरे भैया ये साइड में आप लोगों ने क्या खुशी-खुशी लगा रखा है? कुछ पटने पटाने की बातें हो रही थी मैं if I'm not mistaken. सर ड्यूटी के खातिर ड्यूटी के लिए आपको इस चौकी में एक लड़की को पटाना होगा सर। सच? मेरा मतलब है क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए सर मैं सब डिटेल्स आपको बाद में दे दूंगा लेकिन पहले आप एक बार हाँ कर दीजिए सर। इफ मिस चौटाला डजंट माइंड बट ओनली फॉर लॉ। ओह लॉ लायर ना तू एक बात जो है कतई समझ ले। तूने जो कतई अपनी लक्ष्मण रेखा पार करी ना मक्खन सिंह। नॉट टू वरी शेष शेष फिट में उस रेखा की पतंग लक्ष्मण की डोर से कैसे कटेगी? मैडम वो सर से कैसे पटेगी? गुड क्वेश्चन कोकी। सर से कैसे पटेगी? सर से पटने के लिए सबसे पहले तो उस लड़की को सर से इंप्रेस होना होगा और वो सर से कैसे इंप्रेस होगी ये आइडिया मेरे मतलब मैडम का ये आइडिया मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा कैसे हो तुम लक्ष्मण? मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मगर मच्छर बहुत है। डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा ओके। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रेखा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही मैं कह रहा हूँ छोड़ दे लड़की को। तुम मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर वरना इस लड़की को यहीं मार दूंगा। अरे नहीं नहीं इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हम खोल रहे हैं ना हम खोल रहे हैं आप कुछ भी करिए हम खोल रहे हैं।
आई आई है, पीछे हटो, पीछे हटो, हम हट गए। हट जाओ इंस्पेक्टर, हट जाओ सामने से, हट जाओ। यू आर ए वेरी लकी मैन कि हम दोनों के बीच ये लड़की यहाँ मौजूद, वरना मैं तेरा खून कर देता, समझे? अबे तू क्या मेरा खून करेगा? आज अगर तेरे शरीर पे ये फर्दी नहीं होती ना, तो मैं तेरा खून कर देता। ओहो, तो वर्दी की ही बात है क्या? हम इस वर्दी को निकाल देते हैं। आपको चुतानेंगे नहीं क्या? मैडम जी कंट्रोल कंट्रोल। Come on, bloody yeah, come on, come on. देखा देखा आपने? Yes. Yeah. अबे साले, अबे हम तो एक्टिंग एक्टिंग खेल रहे हैं, क्यों मार रहा है अबे? सर जोर से लगे, सॉरी सर। देखिए हम योरी ओवर एक्टिंग। हाँ जी जी, आप ठीक तो है जी? थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान जो बचाई। ये तो हमारा फर्ज। अरे मुझे तो बचाओ। तुम चुप बैठो और दफा हो जाओ यहाँ से। काश तुम्हारी जगह मैंने इन्हें पसंद किया होता। आइए इसी बात पे हम आपको कहीं छेड़ दें। क्या? ओह नाची, लेकिन नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको कहीं छोड़ देते हैं। चलिए ना, चलिए ना। ओह टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम है ना, आइए आइए। I love you, inspector. Yes, 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 yes. मम्मी जी, मम्मी। It's acting, acting. Okay. अरे घटिया आइडिया के चक्कर में मारे मक्खन सिंह ने ना उस छोरी ने ऐसे हाथ में उठा लिया गोद में, जैसे कतई वही हो रही हो मिसिज हनुमान प्रसाद पांडे। माफी मैडम, माफी, कल मैंने उधर मक्खन ज्यादा खा लिया था, इसके लिए आइडिया फिसल गया, लेकिन देखा जाए मैडम तो आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। देखिए लॉजिकली पैसे अगर उस मनु मरजाने को मिलने हैं तो लड़की भी मनु मरजाने को ही पटानी चाहिए ना। मैडम अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। मारी जिंदगी की रात बना के तू कतई सवेरे के मजे ले रहा है? मैडम अगर इस बार प्लान फेल हो गया तो आपका हाथ और मेरा गाल। ना बेटा गुलगुले, ईब जो है ना बात गाल और हाथ से थोड़ी आगे बढ़ गई है। ईब जो थारा यो प्लान फेल हो गया तो थारा सीना और मारी बंदूक बेटा। क्या? अरे मैं आज तक खुद की पर्सनल प्राइवेट बीवी को नहीं पटा पाया तो किस लड़की को कैसे पटाऊंगा? आइए ना, देख लो यही एक रास्ता है। हाँ लेकिन ये रास्ते पे तो मैं कभी नहीं चला हूं ना। अरे बाबड़ी पूछ ना, तू पटा कोई ना सके पर तू पट तो सके। अरे जब से मैं पैदा हुआ हूं ना तब से मेरी इच्छा है कि कोई मुझे पटाए, लेकिन कोई लड़की मुझे नहीं पटाती। डोंट वरी, यो जो थारा बचपन का डिरी मोरा है ना, यो आज पूरा होगा। आज बेटा तन्ने मैं पटाऊंगी। आइए ना। मैडम सर आ रहे, जल्दी स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कम ऑन कम ऑन। ये ही वैसे एकदम नीले कलर में, इफ यू डोंट माइंड। इट्स ओके, आई एम फाइन, डोंट वरी। मन्नु मर जानिया। अरे तुम हमारे बालों में यो फूल लगा दे प्लीज। आइए ना। मनु तू जो है ना, मैंने जो है अपनी बाहों में कुछ इस प्रकार से उठा ले जैसे मक्खन सिंह ने उस छोरी ने उठाया था। हाँ? हाँ? आइए ना, माने मैं आऊँ, सॉरी नहीं नहीं
नहीं ये ठीक नहीं। ये उठा दो। बंद करो ये भांडगिरी। ये क्या अश्लील हरकत हो रही है? ये एक पुलिस स्टेशन है ना कि चंपा कली का कोई कोठा। चटाला भेज यॉरसेल्फ। यो तू भी समझ ले कि यो पुलिस स्टेशन हो रहा कोई लव गार्डन ना हो रहा जहाँ पे तू अपने 36 तरह के त्रिया चरित्र दिखाता फिर है। आप लिमिट क्रॉस कर रही है। और तूने जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी हीरो बन के उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा? एक मिनट जानू, कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई लप्पा झप्पा तो नहीं है ना? लप्पा तो है, झप्पा नहीं है। हे भगवान, मैं सब जान गई हूँ। जानती थी कि एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। मैं कहाँ जाऊँ? एक मिनट मैडम, दीजिए ना। एक्सक्यूज मी। आप आइए ना। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए बना हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश दूंगा। आइए ना सर। क्या नाटक चल रहा है? अरे सर, इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली? अरे ये लड़की पहले मेरे साथ, फिर इस इंस्पेक्टर के साथ, और अब आपको चिपक रही है। वैसे एक बात बता दूं कि अब तक मैंने इस लड़की के नाम पे कुछ नहीं किया है, सब कुछ मेरे नाम पे ही है। क्या? हाँ सर, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मैं आपकी बीवी यानी अपनी भाभी की गृहस्थी को नहीं उजाड़ सकता, क्योंकि भाभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एक देवर की तरह। इसलिए आज मैं सिर्फ उनके लिए मैं आपको सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर प्लीज प्लीज आप इस लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए और फिर से मेरी भाभी के आंचल में समा जाइए सर, प्लीज। वाह वाह, थैंक यू। यो यो हो रहा असिस्टेंट रूपी भाई लक्ष्मण, और तू कतई रावण हो रहा कि इतना घना बेवकूफ तन्ने इसकी कोई वैल्यू ना हो रही। आइए ना, आइए ना मेरे भाई लक्ष्मण, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई यार। आज से ना तू मेरी कंपनी में ऑल इन ऑल है। चलो लक्ष्मण चलो, रेखा को छोड़कर सुरेखा के पास चले। सुरेखा भाभी है तेरी। बाय बाय, टाटा, सायनारा। आइए ना। ओह इब तू आइए ना से जाइए ना ओले, केस सॉल्व हो गया, वेरी नाइस मीटिंग, ओके बाय निकलो। ओके मैडम बाय। आइए ना। Women, I tell you. I don't tell anything. ना तू तो कतई छोरी के चक्कर में बावड़ा हो रहा था। अरे मिस्टर डाला, आप भी ना देखे 24 घंटे हमारे बारे में बुरा सोचती रहती हैं। अरे हमने तो ये सब नाटक जानबूझ के किया ताकि आप जलकर उस मन्नू की बाहों में कूदेंगी, आप उसकी बाहों में कूदेंगी, लक्ष्मण की होगी एंट्री, लक्ष्मण की होगी एंट्री, तो फिर मन्नू की गृहस्थी टूटने से बच जाएगी। अब आप शायद भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है ना इस धरती पे, वो सिर्फ सोशल सर्विस के लिए हुआ है। रहता है एक सोशल सर्विस और कर ले, हमारे साथ शादी तो कर ले मक्खन सिंह। एक मिनट देखिए मिस्टर डाला, हम हैं पॉलिएस्टर पर आप हैं खादी। अरे भाई इस जन्म में तो क्या कभी नहीं होगी हमारी शादी।